दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप को देखकर हर क्रिकेटर मोटिवेट होता है और ये सोचने लगता है कि अंडर 19 क्रिकेट में सिलेक्शन कैसे होता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैसे खेलते हैं, क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, आज हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं और अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अंडर 19, इससे आप समझ ही गए होंगे कि इससे अंडर एज। दोस्तों, अगर आप अंडर 19 ईयर के अंदर में तभी आप ये वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तभी आप इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कम से कम उम्र में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेने और रेगुलर दोस्तों आपको मैचेस खेलने, लोकल मैचेस खेलते रहने, आपको जैसे एकेडमी वर्सेज एकेडमी मैचेस होते हैं और क्रिकेट की बारीकियों को सीखने, दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते रहना है कम उम्र से ही, ताकि आप जब अंडर 14 अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, अंडर 16 अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, तब आपका नाम रहता है दोस्तों, आपके एसोसिएशन में नाम चलते हैं आपके। आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी तो आपके सिलेक्टर दोस्तों आपको जानेंगे और आगे के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, तब उसके बाद आपका जगह बनेगा अंडर 19 स्टेट की टीम में। दोस्तों, जब आपका अंडर 19 स्टेट टीम में जगह बन जाएगा, उसके बाद सभी स्टेट की आपस में अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी होता है, जो कि हर प्लेयर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अंडर 19 के, जिनका सिलेक्शन होता है। जब आप अंडर 19 चैलेंजर में बढ़िया बैटिंग करेंगे, बढ़िया बॉलर, क्योंकि देखिए हर टीम से 15 से 20 प्लेयर आते हैं हर स्टेट से और लगभग सभी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने प्लेयर्स होते हैं। उसमें से सिर्फ 15 या फिर 17 प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है मेन वर्ल्ड कप की टीम के लिए, मेन अंडर 19 की टीम के लिए। तो इसके लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है हर स्तर पे। आप जहाँ भी खेल रहे हैं बस अच्छा परफॉर्मेंस देना रहता है आपको, चाहे बैटिंग से हो या फिर बॉलिंग से हो। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखकर बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, सभी प्लेयर से हट के परफॉर्मेंस देना है, ताकि सिलेक्टर की नज़र आपके ऊपर रहे और जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो आपका सिलेक्शन वो कर लें और आप मेन इंडिया अंडर 19 की टीम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी खेलिए, अंडर 14 स्टेट में खेलिए, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करिए। अंडर 19 विजय मर्चेंट ट्रॉफी होता है, जो कि सबसे बेस्ट है। दोस्तों, हर प्लेयर जो अंडर 19 खेलता है वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलकर ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका बेहतरीन प्रदर्शन होता है, उसके बाद ही उनका अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों, हर साल डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल आते हैं, क्रिकेट स्टेट के ट्रायल आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, तभी आप स्टेट की टीम में आएंगे और उसके बाद आपका नाम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में आएगा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे।